हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, यह है मेरे पास में टीवीएस जुपिटर बेसिक्स, न्यू है बिल्कुल, स्टार्ट नहीं हो रहा था दोस्तों। इसकी थ्रोटल बॉडी पूरी खोली हुई है मैंने, इंजीनियर से भी बात कर लिए लेकिन तब भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। सारी चीज़ें चेक कर लिए, टैपेट वगैरह सब चेक कर लिए मैंने, तब भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। बैटरी चेक कर ली है इसकी, बैटरी भी फुल चार्ज है दोस्तों, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। फ्यूल चेक किया, फ्यूल भी पूरा है हमारी गाड़ी के अंदर, इंजेक्टर भी पूरा फ्यूल फेंक रहा है वाल पे हमारी। अच्छे तरीके से पूरी गाड़ी चेक कर ली लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। फ्यूल पंप का करंट भी चेक कर लिया, सब कुछ चेक मैं इसमें कर चुका हूँ। अब देखते हैं स्टार्ट कैसे होता है। गाड़ी केवल 3 किलोमीटर चली है दोस्तों। वीडियो पे बने रहे, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत कुछ वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाला है दोस्तों। सारी चीज़ें चेक करने के बाद अब रिज़ल्ट ये निकला है कि हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, इस स्कूटर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, स्टार्ट नहीं हो रहा था, इस यूटिलाइजिंग की मैंने कई चीज़ें करके देख ली। तो दोस्तों, लाख कोशिशों के बाद ये स्कूटर थर्मल सेंसर बदलने की वजह से स्टार्ट हुआ है। थर्मल सेंसर क्वांटिटी बिल्कुल सही दिखा रहा था, रेजिस्टेंस बिल्कुल सही दिखा रहा था, लेकिन ये देखो रबड़ भी निकली हुई है इसकी। सेंसर चेंज करना पड़ा मुझे, रबड़ निकाल के रखी हुई है, अभी लगाऊंगा थ्रोटल बॉडी खोल के दोबारा से। दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके पास आए, रेजिस्टेंस भी सही दिखाएगा थर्मल सेंसर लेकिन गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं हो रही है सारी चीज़ें चेक करने के बाद भी, तो आप उसका थर्मल सेंसर चेंज कीजिए, गाड़ी आपकी BS6 स्टार्ट हो जाएगी। और मैंने इसके लिए कई जगह बात करनी पड़ी इंजीनियर लोगों से, सर लोगों से कई जगह बात करनी पड़ी लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा था। फिर थर्मल सेंसर इसका चेंज किया, तब जाके गाड़ी स्टार्ट हुई है। आपने देख ही लिया होगा कि गाड़ी अब ये स्टार्ट है। 3 दिन लगे मुझे इस गाड़ी को स्टार्ट करने में, 3 दिन में ये गाड़ी स्टार्ट हुई है दोस्तों। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और अगर आप नए हों तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।